दोस्तों, अगर आप लोग न्यू मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हो और उसमें देखना चाहते हो कि मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई ख़राबी तो नहीं है, सेंसर वगैरह, टच ये वगैरह तो ख़राब नहीं है, और इसमें हार्डवेयर में तो कोई मसला नहीं है, स्पीकर में तो मसला नहीं है, ये सब कुछ अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में चेक करना चाहते हो, जो मोबाइल फ़ोन आप लोग ख़रीदना चाहते हो, तो ये वीडियो ख़ास आप लोग की, किस तरीके से आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करना है, उसका बैटरी हेल्थ चेक करना है, उसका बैटरी वो चेक करने की कितने बैटरी है, उसका सब कुछ आप लोगों ने चेक करना है, और किस तरीके से करना है आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, फ़ोन डॉक्टर मोबाइल फ़ोन चेकर टेस्टर एंड परमिशन, यहाँ पर आप लोगों ने प्ले स्टोर पर सर्च करना है। ये ऑप्शन जो है ना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए है, फ़ोन डॉक्टर ये सर्च करना है, और DOC ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँगा। इस ट्रिक में आप लोग दो ही बातें जानोगे, नंबर एक, आप लोग किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन की टेस्टिंग कर सकते हो, दूसरा ट्रिक ये है कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के प्रॉब्लम को चेक करना है घर बैठे कि मेरे मोबाइल फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डिवाइस डिटेल आप लोगों को शो करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा फ़ोन जो है ना शाओमी का है, फोको फ़ोन है, इसका मॉडल भी यहाँ पर लिखा है, बोर्ड भी है, स्क्रीन साइज़ भी है, स्क्रीन रेजोल्यूशन भी है, स्क्रीन डेंसिटी भी है, और टोटल रैम भी है, और यहाँ पर अवेलेबल रैम भी है, इंटरनल स्टोरेज भी है, और अवेलेबल स्टोरेज भी है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को इसका सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, एंड्रॉयड वर्जन भी चेक कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बैटरी ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो आपका बैटरी जो है ना ख़राब है कि नहीं, यहाँ पर बैटरी हेल्थ जो है ना गुड है, बैटरी लेवल जो है ना 68% है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो। पावर सोर्सेज बैटरी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी Li4 है, टेम्परेचर यहाँ पर आप लोग बैटरी के भी चेक कर सकते हो, 39.7 डिग्री। वोल्टेज कैपेसिटी, मेरे मोबाइल फ़ोन का बैटरी जो है ना 5160 है, यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो। इसके बाद आप लोग बैक पर आओ, इस ऐड को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग हार्डवेयर टेस्ट भी कर सकते हो, रेड पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ये भी ठीक है, ग्रीन ये भी ठीक है, ब्लू ये भी ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने माइक का टेस्टिंग करना है, और यहाँ पर हार्डवेयर टेस्ट, रिसीवर, अगर आप लोग किसी के फ़ोन को रिसीव करना चाहते हो और आवाज़ नहीं आ रही है, ये भी टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग आवाज़ दिख रही है, आवाज़ सुन रही है, या जो आवाज़ है ना, इसका मतलब ये है कि मेरा मोबाइल फ़ोन का रिसीवर ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। डैमिंग, यहाँ पर ये भी ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वाइब्रेशन, अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन की चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन जो है ना वाइब्रेट कर रहा है, अगर आप लोग का मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट नहीं कर रहा तो उसका वाइब्रेशन जो है ना ख़राब है। इसके बाद यहाँ पर कैमरा जो है ना आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो, मेरा कैमरा जो है ना बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना मेन प्रोसेस, यहाँ पर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के सेंसर, यहाँ पर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के सेंसर जो है ना चेक कर सकते हो, ये जो है ना बहुत लाजमी है, आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के सेंसर को लास्ट में चेक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको ये कह रहा है कि मूव योर डिवाइस, मेरा ये सेंसर जो है ना मोबाइल फ़ोन का ये भी ठीक है। अगर आप लोग का यहाँ पर ये मूव नहीं हो रहा, आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन को सिंपल रोटेट करना है, अगर आप लोग की रोटेट नहीं हो रहे और ये रोटेट करे और ये ऑप्शन नहीं जा रही, तो आपका मोबाइल फ़ोन का ये जो प्रोसेसर एक्सेलेरोमीटर ये जो है ना ये ख़राब है, मीटर जो है ना। फिर इसके बाद आप लोग जायरोस्कोप भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, आप लोगों को ये कह रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे मोबाइल फ़ोन को अपने चेक किया मैंने, और यहाँ पर जो XYZ रेज है ना वो चल रही है। इसके बाद यहाँ पर इतर नंबर का ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के प्रिंट स्कैनर जो है ना उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को कैमरे पर आप लोगों ने अपना हैंड देना है, जब जैसे मैं यहाँ पर हैंड देता हूँ तो ये हैंड जो है ना नीचे जा रहा है, मैंने हाथ रख का वो उठाया और अब हाथ रख रहा हूँ तो ये नीचे गया, तो इस तरीके से ये प्रोसेसर जो है ना ये भी ठीक है मेरे मोबाइल फ़ोन का। उसके बाद आप लोग कंपास भी चेक कर सकते हो, कंपास ठीक है कि नहीं, ये भी ठीक है। लाइट, यहाँ पर लाइट भी आप लोग चेक कर सकते हो, मेरे मोबाइल फ़ोन का लाइट जो है ना वो भी ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हॉट कीज़, यहाँ पर अगर आप लोग के मोबाइल फ़ोन के बटन जो है ना वो ख़राब है कि नहीं, आप लोग ये भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम अप, मैंने यहाँ वॉल्यूम अप पर क्लिक किया तो मेरा बटन जो है ना ठीक है, यहाँ पर करेक्ट का ऑप्शन आया, वॉल्यूम डाउन भी ठीक है, बैक भी ठीक है, रिसेंट कीज़ भी ठीक है, और होम की भी ठीक है, यहाँ पर मैंने होम पर गया। इसके बाद यहाँ पर पावर की भी ठीक है, पर मैं अब पावर करूँगा तो वीडियो जो है ना वो ऑफ हो जाएगी, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपने टच भी
चेक कर सकते हो कि मेरे मोबाइल फ़ोन का टच जो है ना ख़राब है कि नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पर, उर्दू में भी यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर मेरा टच जो है ना मोबाइल फ़ोन का वो भी ठीक है। यहाँ पर आप लोग स्पीकर ये भी चेक कर सकते हो, स्पीकर जो है ना मेरे मोबाइल फ़ोन का ठीक है। अगर आप लोग का काम नहीं करे तो आपका ख़राब है, आप लोगों ने इसका स्पीकर जो है ना चेंज करना है या फिर मोबाइल फ़ोन को ख़रीदना नहीं है। यहाँ पर टर्च आप लोग इसको ऑन करो, ये मेरा टर्च जो है ना वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग और भी जो है ना टेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ चुकी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इस वीडियो का मतलब ये था कि आप लोग अपनी जब न्यू मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग उसको टेस्ट करो। अगर टेस्ट कम्प्लीट है तो आप लोग उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदो, अगर टेस्ट अनकम्प्लीट है तो फिर आप लोग उस मोबाइल फ़ोन को ना ख़रीदो। शुक्रिया।